तो फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी कुटटी माँ के मंदिर में। तो फिलहाल देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे चारों ओर घंटी वगैरह लग रखी है। अरे दोस्तों यहाँ पीछे रुके थोड़ा प्रसाद के लिए, यहाँ से ऊपर कुछ चढ़ाने के लिए ना। तो लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं तब से मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह डाला नहीं है। रिजल्ट ही बताएगा। पर किस चीज़ का पेपर था आज? वैसे आज था ज्योग्राफी का। कैसे गया मतलब? क्या बोल सकते हैं, टीचर पास हो रहे हो क्या? पास तो हो ही जाएंगे, छापा है। ये देख सकते हो कितनी आग लग रखी है वहाँ पे, जूम करके दिखाते जरा आपको ना, ये देख सकते हो आप। साथियों कैसे हैं सभी लोग? तो मेरा नाम है राजवी नेगी और आज की ब्लॉग की शुरुआत दिन के करीबन 1 बजे से हो रही है। और आप मेरे पे देख सकते हैं कितना चेंज है, मेरे पे चश्मा लग चुका है। पर ये मतलब ऐसे ब्लू रेज वाला है, जैसे मतलब फोन में कुछ भी काम वगैरह करता हूँ तो उसके उससे रिलेटेड है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम चारों एकदम क्लीन हो रखा है और आप मेरे हाथ में चश्मा देख सकते हो यार। ये है मेरा ब्लू रेज का चश्मा, मतलब कि जैसे मैं फोन में कुछ भी काम वगैरह करता हूँ तो इससे पहन के करता हूँ। देख सकते हो कितनी आग लग रखी है वहाँ पे, जूम करके दिखाते जरा आपको ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पे खतरनाक आग लग रखी है, एकदम कोहरा ही कोहरा हो चुका है वहाँ पे। तो चलते फिलहाल अभी नीचे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी भाई का कॉल आ गया है कि आ जा रूम से बाहर, तो चलते हैं वहाँ गली के बाहर पे, फिर चलते भी देखते हैं। एनएम जाते हैं, कुटैटी जाते हैं, तो पहले चलते हैं बाहर पे, भाई से पूछते हैं फिर देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। तो गली से बाहर तो मैं आ चुका हूँ यार, पर यहाँ पे भी दूर दूर तक भाई दिख नहीं रहा है। और सामने देखते हो शीशे में मैं दिख रहा हूँ, ये है देखो गाइस आप, सामने शीशे में दिख रहा हूँ यार। यहाँ पे भाई लोग भी आ चुका है। अरे भाई जी यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई जी? भाई जी यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? अरे सर मैं पेपर देके आया हूँ अभी। क्या डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे कि भाई? डिप्रेशन में भाई। भाई जी यार यहाँ पे क्या बात, कैसे गया पेपर? पेपर तो क्या बोल सकता हूँ मैं, अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट ही बताएगा। पर किस चीज़ का पेपर था आज? वैसे आज था ज्योग्राफी का। कैसे गया मतलब? क्या बोल सकते हैं, टीचर पास हो रहे हो क्या? पास तो हो ही जाएंगे, छापा है। ये देखो पीछे कौन खड़ा है, ये देखो दिख रहा है कोई? चलो बढ़िया बढ़िया। अब कब लास्ट पर कब भाई आपका? लास्ट नहीं है अभी, अभी अभी 5 को है, फिर 11 को है, अच्छा फिर 16 को है सर। पहले जा रहे हैं यहाँ से कुटैटी, अगर एनएम जाएंगे वहाँ भी देखेंगे जाते हैं नहीं जाते हैं, पर अभी फर्स्ट पहले यहाँ से थोड़ा कुटैटी तक जाते हैं। और ये देखो भाई भी है और पीछे दूसरे भैया भी आ रहे हैं, तो चलते फिलहाल अभी आराम से कुटैटी माता के दर्शन करने। दोस्तों यहाँ पीछे रुके थोड़ा प्रसाद के लिए, यहाँ से ऊपर कुछ चढ़ाने के लिए ना। तो यहाँ पे गए अभी भाई और ये देख सकते आप यहाँ पे, ये तो कुटैटी देवी दिख रहा है, बस यहाँ पे झंडा आ रखा है ना बीच में, वो तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लगाई भी स्कूटी और भाई के आगे लगाई है, फिर चलते हैं आराम से आज कुटैटी माता के दर्शन करने और आपको भी दिखाते हैं। क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, मतलब लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं तब से मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह डाला नहीं है। फिलहाल आज ही ब्लॉग आ रहे हैं और आजकल मेरे थोड़ा पेपर वगैरह चल रहे हैं ना, अब आपको 1 तारीख से शायद लगातार ब्लॉग देखने के लिए मिल सकते हैं। देखते हैं फिलहाल, अगर गाँव जाऊँगा तब तो लगातार ही मिलेंगे ब्लॉग, मैं देखते हैं फिलहाल क्या होता है। देवी प्रसाद वगैरह तो अब बैठते हैं, अब चलते हैं सीधे ऊपर मंदिर में, मंदिर में दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों फिलहाल पहुँच चुके हैं मैं यहाँ पर मंदिर के पास ही में, मतलब गेट के पास। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और यहाँ पे लगा दी बाइक वगैरह और देख सकते हैं सामने कितने सारे बंदर हैं। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखो उधर साइड कितने सारे बंदर वगैरह हैं। तो फिलहाल चलते हैं भी ऊपर। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं मैं अभी कुटटी माँ के मंदिर में। तो फिलहाल देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे चारों ओर घंटी वगैरह लग रखी है, तो भाई लोग चले गए हैं वहाँ पे। तो मैं अभी चलता हूँ अभी अंदर तो दिखाते हैं आपको। जम्बुदीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तान्तरत काशी कुरुक्षेत्रे पुष्करयः पर्यागादि नानातकं जनपदे उत्तरकाशन्ते अस्मिन् समये महाभगवति राजर्षि चरणारविन्द्रे। चलिए दोस्तों फिलहाल अभी परिक्रमा वगैरह करते हैं, दर्शन दर्शन तो कर लिए हैं, फोटो वगैरह भी खिंचा लिया है, अब परिक्रमा वगैरह करते हैं। तो चलिए जय माता दी, चलते हैं यहाँ से।
और यहाँ पर देख सकता हूँ राहुल भैया और मोहित भैया भी हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा नीचे फोटो वगैरह खिंचाते हैं, अभी तब तक आप भी वीडियो को एंजॉय करो। तो खिंचाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह। दोस्तों फिलहाल दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। रील वगैरह फोटो वगैरह सभी चीज खींच ली वगैरह सभी चीज कर लिया यार, चलते हैं घर की ओर आराम से। और इनको देखो जरा आगे, ये देखो इन पे, ये चल भागने गाइस, हमें भागते जरा थोड़ा रेस दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ से भैया लोग मुड़ा लेंगे बाइक और स्कूटी, तो नीचे पे रुकेंगे जहाँ से व्यू दिखता है पूरा उधर का ना, वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचाएंगे। दोस्तों ऊपर से तो हम आ चुके हैं और अभी रुके हम थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ से दिख रहे एकदम चारों का बढ़िया नजारा। आप मेरे पीछे देख रहे हो दूर दूर तक सारी जगह का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और आप गंगा जी को देख सकते हैं यार, कलर कैसे हो रखा है एकदम मटमीला सा, और यहाँ से कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है यार अभी के टाइम का ना, और सूर्य देव भी आ रखे हैं, ये देखो आप एकदम मस्त सा नज़ारा दिख रहा है। अरे भाई ये कहाँ चलता है नीचे, यहाँ पर शायद कुछ शादी वगैरह होगी, और सामने देख रहा हूँ पुलिस लाइन में भी शादी वगैरह है, टेंट लग रखा है। और कहाँ कहाँ दिख रहा है यार यहाँ से शादी, मतलब यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिख रहा है ऊपर से लेकर वहाँ लास्ट तक, बस थोड़ा इधर नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह खींचते हैं। दोस्तों जब फरवरी में मतलब यार दिन में आजकल धूप लग रही है एकदम खतरनाक वाली, और रात को बारिश वगैरह हो रही शाम रात को, मतलब यार कहीं बोले मौसम के लिए अभी भयंकर वाली गर्मी होने लगी यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हुड में बेकार आया हूँ, टी शर्ट वगैरह में आना था, पर कभी एकदम से धूप लग रही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश भी लग सकती है, अचानक से ही मौसम रंग बदल दे रहा है, इसलिए ऐसे ठीक है यार अभी गर्मी है, कभी ठंड होगी, होगी क्या शायद वेदर पे शाम को बारिश बता रही है, वैसे मैंने देखा नहीं, कन्फर्म नहीं है पता, पर आज के मौसम के हिसाब से तो नहीं होगी यार, पर बादल इकट्ठे होने लगे हैं धीरे धीरे, और भाई लोग आराम से यहाँ पर धूप सेकते हैं, सेक रहे हैं, मैं भी सेकता हूँ। चलिए दोस्तों फिलहाल निकल चुके हैं हम यहाँ से घर की, और वहाँ पे तो काफ़ी धूप लग रही थी ना, मैं सोचा कि यार यहाँ पे क्या करना है, तो अब चलते हैं इसलिए घर की। और भैया पीछे रह गए हैं यार काफ़ी, देख सकते हो आप दिख ही नहीं रहे हैं, चलते हैं फिलहाल अभी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पे लगा ली हमने स्कूटी, अब चलते हैं सीधे घर।